शालिग्राम के दो बड़े बड़े पत्थर आए हुए थे, स्टोन आए हुए थे, जो उनमें से जो प्रतिमाएं बननी थी। तो ये आप सामने देखेंगे तो एक बड़ा सा अभी जो है वो रखा हुआ है, और जो दूसरा था वो ये, और ये पूरा काट के छोटा कर दिया गया है जो प्रतिमा बननी है। तो सीधे रास्ता लता मंगेशकर चौक की तरफ, राम मंदिर कार्यशाला की तरफ लेफ्ट रास्ता चलना पड़ेगा, श्री राम जन्मभूमि जैसा कि ऊपर लगा हुआ है, और पुलिस की बैरिगेटिंग भी लगी हुई है कि ज़्यादातर इधर चेकिंग होता रहता है, और इधर कार्यशाला भी है मंदिर निर्माण का, तो इस वजह से और भी इस पे चेकिंग करके तभी इधर से एंट्री होती है, जब भीड़ वगैरह काफ़ी बढ़ जाता है। तो अभी दो कार्यशाला थे, अभी एक कार्यशाला में काम चल ही रहा है जो आगे पुराना राम मंदिर कार्यशाला है उस पर, और जो अभी नया बना था जहाँ पे सारी प्रतिमाएं रखी हैं जो राम मंदिर में स्थापित कॉरिडोर में स्थापित होंगी वो, और बाकी जो शालिग्राम के पत्थर आए हुए थे वो। तो यहाँ पे जो शालिग्राम के पत्थर आए हुए थे उसका निर्माण शुरू है, वो चल के अंदर आपको दिखाते हैं इसके। तो ये एंट्री पॉइंट जो कि अभी देखेंगे आप, जहाँ पे एंट्री किया जाता है, जो नया कार्यशाला बना था जहाँ पे शालिग्राम के स्टोन रखे हुए हैं वो। बाकी जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो राइट साइड देखेंगे कि कितना खूबसूरत ये छोटा सा पार्क बनाया गया है, ये शाम के टाइम और ज़्यादा खूबसूरत ये दिखता है, और प्रभु श्री गणेश और हनुमान जी की जो प्रतिमा लगी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और ये पूरा जो पत्थर की सिनाई वगैरह कंप्लीट हो गई थी, तो अभी कुछ पत्थर यहाँ पे रखे हुए थे जो राम मंदिर निर्माण में लगने हैं। तो ये देखेंगे कि ये ट्राली पे लदी हुई यहाँ से जाके और राम मंदिर में स्थापित होंगी ये। और इधर किरान खड़ा कि ये पत्थर उठा के ट्राली पे लादा जाता है उसके बाद फिर। तो ये सारे जो बड़े बड़े नेपाल से स्टोन आए हुए हैं वो ये देखेंगे आप, तो कितना ज़्यादा खूबसूरत देखने के बाद लग रहा है। अभी फ़िलहाल इसके निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है कि जो आकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा का देना है वो आकार भी दिया जा रहा है, और कुछ स्टोन राजस्थान से भी आए हैं तो उनका भी पूरा ये रखा हुआ है। कर्नाटक से, राजस्थान से, जितने भी जगह से आए हुए हैं तो ये सब पूरा रखा हुआ है, और उसका निर्माण कार्य इधर से पूरा आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है पूरा ये शालिग्राम स्टोन। और बाकी इधर देखेंगे तो अभी मिट्टी की खुदाई वगैरह हुई है, ये जो पत्थर की घिसाई हुई थी उसका जो पानी निकला है ये अभी आप देखेंगे कितना खूबसूरत घिसने के बाद ये आपको देखने को मिलेगा। तो घिसाई के बाद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी चमक देखने को मिल रहा है इस बड़े से स्टोन में शालिग्राम के, और इससे जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा बनेगी तो अलग ही दृश्य देखने को मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत अभी फाइनली ये पूरा दिख रहा है ये पूरी। बाकी ये पूरा कैंपस, पूरा ग्राउंड जो कि आगे अभी निर्माण उधर चल रहा था वो काम कंप्लीट हुआ है, तो बस अब ये पत्थर आप देखेंगे तो कैसे ये पूरी तरीके से साफ़ किया गया है, ये सोने वगैरह जो क्लीनिंग है पूरे पत्थर की वो, बाकी लाइटें वगैरह रात में भी काम चलता है कभी कभी तो उसका भी। और ये अभी देखेंगे तो पूरा दिन का समय, बाकी आगे देखेंगे तो आप जो कॉरिडोर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो स्थापित होंगी वो।
चल के आगे आपको वो दिखाते हैं जो प्रतिमाएं स्थापित होंगी राम मंदिर कॉरिडोर में, जो जितने भी रामायण काल की घटनाएं हैं वो उनसे रिलेटेड राम कथा जो कुंज है वो राम कथा कुंज में जो प्रतिमाएं रखी हुई हैं वो। तो जब कॉरिडोर बन के तैयार होगा राम मंदिर का, तो उसमें जो जितनी भी मूर्तियां स्थापित होंगी और ये राम कथा कुंज श्री राम मंदिर हेतु ये पूरा आप देखेंगे और ये पूरी जो प्रतिमाएं हैं वो, ये पूरी जो रामायण काल की जो घटनाएं हैं जो दर्शाया गया है सारा, कि जितने भी घटनाएं हुई हैं रामायण काल में बाल्यावस्था से प्रभु श्री रामचंद्र जी के और जो रावण वध तक, उसके बाद जो राज्याभिषेक होता है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, उस जितने भी घटनाएं हैं ए टू जेड सारे जितने भी रिलेटेड हैं वो, ये पूरा घटनाएं ये दर्शाया गया। अभी तो फाइनली आगे के कुछ मूर्तियों में कलर भरा गया, बाकी इन सब मूर्तियों में भी कलर भरना बाकी है। और ये सब जो राम मंदिर कॉरिडोर बनेगा उसमें स्थापित होगा ये सारा जो प्रतिमा है वो, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये प्रतिमा जब लगेंगी राम मंदिर में स्थापित होने के बाद काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये जो शालिग्राम के दो बड़े बड़े पत्थर आए हुए थे, स्टोन आए हुए थे, जो उनमें से जो प्रतिमाएं बननी थी, तो ये आप सामने देखेंगे तो एक बड़ा सा अभी जो है वो रखा हुआ है और जो दूसरा था वो ये, और ये पूरा काट के छोटा कर दिया गया है। जो प्रतिमा बननी है वो इनसे बननी है, ये पूरा देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था ये, इस वजह से ये काट के जो अब आकार दिया जाएगा, ये आप छोटे छोटे जो मार्किंग देख रहे हैं अभी वो इसी वजह से, क्योंकि इसकी जो कटाई और छिनाई का काम है तो अभी धूप है बंद है, नहीं तो फाइनली अभी इसका काम चलता है। ऐसे ही इसका भी जिसमें जो बड़ा सा है उसमें भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का आकार दिया जाएगा। बाकी ये सारे जो अभी रखे हैं यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर ये देख सकते हैं, और ये पूरा इसका जो ग्राउंड है राम जन्मभूमि कार्यशाला का, इधर से आप पूरा देखेंगे तो इधर से पूरा आपको खाली ही दिखेगा। तो ज़्यादातर पत्थर यहाँ से जा चुके हैं मंदिर निर्माण के लिए, बस अभी ये जो कुछ बचे हुए हैं बाकी जितने भी बड़े बड़े आए हैं शालिग्राम के पत्थर उन पर निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, तो जल्दी कंप्लीट होगा। 2024 में स्थापित होंगे रामलला, तो उसके साथ ही सारी प्रतिमाएं भी स्थापित होंगी। ये तो फाइनली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अयोध्या से डेवलपमेंट की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय श्री राम।